सही कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, बस मेहनत दबा के करो, क्या पता कब किस्मत का ताला खुल जाए। ठीक ऐसा ही हुआ बिहार के कन्हैया कुमार के साथ, जब वह नशे की हालत में यूपी से बॉर्डर पार कर बिहार में आ रहा था और बिहार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दरअसल बिहार एक ड्राई स्टेट है और बिहार में पी कर आना भी सख्त मना है। बिहार पुलिस ने कन्हैया कुमार को दबोचा और जेल में डाल दिया और कन्हैया कुमार ने नशे की हालत में भोजपुरी गाना लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे थाने में सबका ध्यान कन्हैया पर आ गया। कन्हैया की आवाज इतनी मधुर थी कि थाने में मौजूद हवलदार ने कन्हैया की वीडियो बना दी और वो वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई। उस वीडियो पर बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी की नजर पड़ गई और फिर क्या था, अंकित तिवारी ने हिमेश रेशमिया की तरह कन्हैया को अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस मिस्ट म्यूजिक में गाना गवाने का फैसला कर लिया। दरअसल ये वीडियो बिहार के एक MLA ने शेयर किया था, हालांकि वीडियो में कन्हैया कुमार का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा। हिमेश रेशमिया तो ये टैलेंट हंट के मामले में रानू मंडल से गाना गवाकर काफी ट्रोल हो गए थे। अब देखते हैं कि कन्हैया कुमार इस मौके का कितना फायदा उठा पाते हैं।